हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी हथेली है बिल्कुल एक स्क्वायर जैसी शेप बना रही है, और काफ़ी फ्लफी हैंड है जिसमें इनका जो वीनस माउंट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और वीनस जो है वो हमें सुख और समृद्धि देने के कारक हैं, हर तरह के ऐशो आराम जो हमें वीनस की तरफ से मिलते हैं। यहाँ पर आप ये एरिया देख सकते हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। स्क्वायरिश हैंड होने की वजह से मेहनती ये काफ़ी रहेंगे, लेकिन वीनस के प्रोमिनेंट होने की वजह से यह जो एरिया आप देख सकते हैं इसके ज़्यादा ओवर डेवलप्ड होने की वजह से इनके खर्चे भी बहुत अधिक रहेंगे, और यह हर सुख सुविधा को पाना चाहेंगे और उन सब चीज़ों के ऊपर इनके जो एक्सेसिव खर्चे लाइफ में हो सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो इनकी फिंगर्स हैं उनमें बृहस्पति फिंगर की लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर फिंगर्स की लेंथ को चेक किया जाए तो इनकी जो बृहस्पति फिंगर है उसकी लेंथ सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा नज़र आ रही है कुछ इस तरह की। और लंबाई में बृहस्पति फिंगर का अच्छा होना लीडरशिप क्वालिटीज़ को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर भी व्यक्ति को देता है। काफ़ी अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति गेन कर पाते हैं, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और साथ ही साथ अच्छी और स्ट्रेट शनि फिंगर का होना और भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह हार्ड वर्किंग नेचर व्यक्ति को देती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती भी होते हैं और अपनी इसी मेहनत की वजह से लाइफ में काफ़ी तरक्की भी कर पाते हैं। सूर्य फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी बृहस्पति से शॉर्ट है, लेकिन अच्छी लेंथ में होने की वजह से क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। और काफ़ी सारे गैप्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इनकी फिंगर्स के बीच में, जो इनको इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर देंगे। काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट ये रहने वाले हैं लाइफ में, अपनी मनमर्जी करने वाली एक पर्सनैलिटी रहती है, और किसी की राय ना सुनना और अपनी मर्जी से कोई भी कदम उठाना, ऐसी इनकी नेचर रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है, मर्करी फिंगर यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई मर्करी फिंगर, और माउंट भी ज़्यादा लो सेट यहाँ पर नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई फिंगर, और माउंट की पोजीशन भी अच्छी है। फिंगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बाकी तीनों फिंगर से अगर हम कंपेयर करें, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अच्छे रहने चाहिए। थोड़ा सा मरकरी का वीक होना कहीं ना कहीं बिजनेस एक्यूमेन को कम करता है, अदरवाइज यहाँ पर शाई नेचर इनकी नहीं रहेगी क्योंकि फिंगर लो सेट नहीं हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है इनके माउंट्स की सेटिंग से, और उसके बाद माउंट्स के ऊपर बनने वाले जो चिन्ह हैं उनको भी हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। तो अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें बृहस्पति माउंट इनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और बहुत ज़्यादा हाई सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर शनि और बृहस्पति माउंट काफ़ी हाई सेट हैं, लेकिन शनि माउंट थोड़ा सा दबता हुआ और बृहस्पति माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट के ऊपर पार्शियल गुरु वल्लया जैसी फॉर्मेशन भी बनती हुई यहाँ पर, जो काफ़ी लकी मानी जाती है। कुछ इस तरह की आड़ी रेखा का होना बृहस्पति माउंट के ऊपर, इसको हम पार्शियल गुरु वल्लया कह देते हैं। अगर यह कंप्लीट एक इस तरह से वल्लया बने तब ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कामों में ही जुड़ जाते हैं और कई बार तो अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्शियल गुरु वल्लया का बनना शो करता है कि कहीं ना कहीं इनका रुझान रहेगा धार्मिक संस्थाओं को ज्वाइन करने का, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, नेचर इनकी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस रहेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी यह स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और ओवरऑल यहाँ पर एक दूसरी आड़ी रेखा भी नज़र आ रही है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी यह लाइंस दर्शाती हैं। ओवरऑल यहाँ पर इनका जो माउंट है, जो बृहस्पति माउंट, काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ और काफ़ी हाई सेट यहाँ पर यह माउंट, काफ़ी अच्छी स्पेस इसको मिल पा रही है।
तो स्पिरिचुअलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा इनका जो झुकाव रह सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं। तो किसी धार्मिक संस्था में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर धर्म कर्म के कामों से संबंधित काम होते हों, सोशल वर्क होता हो, वैसी जगह पर भी यह अच्छी पोजीशन पा सकते हैं और काफ़ी मान सम्मान इनको इस तरह के कार्यों की वजह से मिल सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा इनके बृहस्पति माउंट को, तो आगे देखते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर मुझे दबते हुए नजर आ रहे हैं। शनि का वीक होना कहीं ना कहीं स्ट्रगल को बढ़ा देता है। लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल पाती और शनि वीक है तो यहाँ पर मेहनत बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनको करनी पड़ेगी लाइफ में। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए स्ट्रगल जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में होती है, मुझे नज़र आ रही है। और आप शनि रेखा को अगर देखें तो एक अच्छी शनि रेखा है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी शनि रेखा का होना यहाँ पर यह शो करता है कि बेशक मेहनत ज़्यादा रहेगी लेकिन इनको जो सोर्सेज हैं वो भी मिलते रहेंगे और कंफर्ट्स भी लाइफ में रहने वाली हैं। कुछ इस तरह की शनि रेखा जो यहाँ पर 30s की एज में थोड़ी सी वीक होती हुई, 30s के बाद की थोड़ी सी एज जो रहेगी वीक, उसमें थोड़ी वीकनेस है, और उसके आगे की जो लाइफ है उसमें 36 से लेकर 58 की एज तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी शनि रेखा मैं देख पा रहा हूँ, और आगे चलकर काफ़ी स्ट्रांग होती हुई तो ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छा पैसा ये कमा पाएंगे। लेकिन अगर हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा वीक होता हुआ मनी ट्रायंगल मुझे नज़र आ रहा है। मनी ट्रायंगल कम्प्लीटली बन रहा है जो एक अच्छा चिन्ह है जो शो करता है कि धीरे धीरे कर कर ये काफ़ी अच्छा पैसा स्टोर कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल का खुला होना यह भी शो करता है कि पैसा रुकने में दिक्कत रहेगी। जिस तरह से इनकी इनकम रहेगी उसी तरह से खर्चे भी इनके काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट यहाँ पर जो इनका नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ कि हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जो यहाँ पर नेम एंड फेम मिलने में दिक्कतों को दर्शा रहा है। एक स्ट्रांग सूर्य माउंट का होना बहुत ज़रूरी रहता है नेम एंड फेम पाने के लिए। तो सोसाइटी में अच्छी रिकॉग्निशन तो ये बना पाएंगे लेकिन ज़्यादा नेम एंड फेम मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा कंप्लीटली मुझे स्ट्रांग एक सूर्य रेखा नज़र नहीं आ रही। बहुत ही हल्की हल्की कुछ ऐसी रेखाएं, कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से अपनी लाइफ में उससे बेनिफिट्स लेने हैं, उस चीज में कंफ्यूजन रहती है। आगे देख सकते हैं मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट यहाँ पर बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है, हल्का सा लो सेट होता हुआ, लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी प्रोमिनेंट रेखा नहीं है। बिजनेस के लिए अगर बहुत सारी खड़ी रेखाएं हों, हल्की कुछ खड़ी रेखाएं हैं जो इनको कुछ बेनिफिट्स दे सकती हैं, और यहाँ पर बिजनेस की रेखा भी मौजूद है तो ज़्यादा चांसेस बिजनेस से अर्निंग के रहेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मरकरी नहीं है तो मरकरी के उपाय करने की इनको मैं सलाह दूंगा, और अगर बिजनेस में ही प्रोग्रेस चाहते हैं तो मरकरी के जितने ज़्यादा ये उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस इनको बिजनेस में होती रहेगी। आगे आप देख सकते हैं मेजर लाइन्स को, तो यहाँ पर हार्ट की लाइन की बात कर लेते हैं। हार्ट की लाइन यहाँ पर आगे बढ़कर बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और आगे बढ़कर एक ब्रांच जो है वो मंगल माउंट की तरफ मुड़ती हुई, कुछ इस तरह की हार्ट की लाइन आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी शेप में बनती हुई जो यहाँ पर बृहस्पति माउंट तक पहुँच रही है, जो एक बहुत ही एक अच्छा चिन्ह माना जाता है बृहस्पति माउंट तक हार्ट की लाइन का पहुँचना, क्योंकि इस तरह की लाइन होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी लॉयल रहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल सीधी हार्ट की लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के नहीं होते, और सीधी हार्ट की लाइन होने की वजह से थोड़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच लाइफ में ज़्यादा रहती है। और जिस तरह से इनकी हार्ट की लाइन थोड़ा सा मुड़ती हुई नज़र आ रही है मंगल एरिया की तरफ, यह जो एरिया रहता है मंगल का एरिया, जिस तरह से इस तरफ को लाइन का मुड़ना शो हो रहा है इनकी अग्रेसिव नेचर को दर्शाता है, थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव इनका रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज और कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही, हार्ट की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी, और कुछ हल्की प्रॉब्लम्स यहाँ रह सकती हैं। कुछ लाइट सा एक इनके हाथ में जो आइलैंड बन रहा है वो भी लगभग 45 के अराउंड एज में, तो थोड़ी दिक्कत इनको हेल्थ रिलेटेड दे सकता है, अदरवाइज कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रही। आगे देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन को, और माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई कि अंदर मंगल के एरिया से उसका रिलेशन बनता हुआ, दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर, कुछ इस तरह से लाइन का बनना यहाँ शो करता है प्लानिंग मेकिंग पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति बहुत सी प्लानिंग्स बनाते रहते हैं और
काफ़ी सारी प्लानिंग्स के ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन जब भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी प्लानिंग्स की, तो उसमें चेंजेस करते रहना भी उनकी एक हैबिट रह सकती है, एक नेचर रह सकती है। अदरवाइज़ माइंड यहाँ पर काफ़ी शार्प नज़र आ रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है। बिजनेस के लिए इस तरह की लाइन का होना एक अच्छी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति बिजनेस में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है आगे चलकर, जैसे अभी यहाँ पर कुछ इस तरह का मनी ट्रायंगल ही मुझे नज़र आ रहा है जो यहाँ से ओपन है, अगर यह चीज़ भी आगे चलकर कंप्लीट हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी सारा धन संचित भी कर सकते हैं। ओवरऑल माइंड की लाइन में भी कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी माइंड की लाइन हम देख पा रहे हैं। आगे देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन को, तो लाइफ लाइन पे कुछ हल्की स्ट्रेस की लाइंस हैं जो इनको स्ट्रेस दे सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइंस, किसी लिटिगेशन में फंसने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं 35 के आसपास की एज में, क्योंकि ऑफ शूट करता हुआ और इन लाइंस को काटते हुए ये लाइंस 40 की एज तक इनको इफेक्ट दे रही हैं। 40 की एज तक अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहेंगे, लेकिन 40 के बाद की एज में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, तो एक स्मूथ लाइफ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनकी जो लाइफ की लाइन है वो आगे चलकर एक फिश जैसा सिंबल बनाती हुई जो यहाँ पर शो करता है कि अचानक इनको कहीं से धन लाभ भी हो सकता है और विदेश जाने के चांसेस भी रहते हैं इस तरह का चिन्ह बनने से। आप देख सकते हैं इस तरह की फॉर्मेशन बनना आगे चलकर बाईफोर्क होना इस लाइन का फॉरेन ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है, और ज़्यादा चांसेस इनके रहेंगे विदेश जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वीनस बहुत स्ट्रांग है और वीनस की तरफ इनकी लाइफ लाइन का मुड़ना यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। वीनस का यहाँ पर स्ट्रांग होना, मैं वैसे पहले भी बता चुका हूँ, इनको लग्जरीज की हैबिट डाल सकता है, आराम में रहने की, और जिसकी वजह से एक्सेसिव खर्चे होते हैं। और जिनका वीनस ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति खर्चा करते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और अपने ऊपर या अपने कंफर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चे करते रहते हैं, तो इस वजह से भी धन की प्रॉब्लम्स लाइफ में कई बार आती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।